एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जो 2 महीने का राशन 1 हफ्ते में ही चट कर जाए? नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको गुजरात के रहने वाले रमेश भाई नंदवाने के 3 बच्चों के बारे में बता रहे हैं। इन 3 बच्चों को अजीबोगरीब बीमारी है जिसके चलते उन्हें बहुत भूख लगती है और वजन तेजी से बढ़ रहा है। इन बच्चों की डाइट सुन आप हैरान रह जाएंगे। बच्चों की माँ इनकी भूख मिटाने दिन भर खाना बनाती रहती है। इनके बढ़ते वजन और डाइट से परेशान इनके माता पिता इन्हें उसी सैफी अस्पताल लेकर पहुँचे हैं, जहाँ दुनिया की सबसे वजनी महिला ईमान अहमद ने अपना आधे से ज्यादा वजन कम किया। सैफी हॉस्पिटल स्टाफ जिस वक्त ईमान की विदाई की तैयारी कर ही रहा था, ठीक उसी वक्त मोटापे से परेशान गुजरात के 3 बच्चे योगिता, अनिशा और हर्ष को यहाँ एडमिट करवाया गया। मोटापे से परेशान इन बच्चों का वजन काफी ज्यादा है। 7 साल की योगिता का 45 किलो, 5 साल की अनिशा का 60 किलो और सिर्फ 3 साल के हर्ष का वजन 25 किलो है। इन बच्चों के पिता रमेश भाई नंदवाने एक किसान हैं और कुछ दिनों पहले इन्होंने बच्चों के इलाज के लिए अपनी किडनी बेचने की बात कही थी। योगिता और अनिशा एक बार में 18 रोटी, 1.5 किलो चावल, 2 कटोरे सब्जी, बिस्कुट के 5 पैकेट, 12 केले और 1 लीटर दूध डेली खाते हैं। जब उन्हें अधिक भूख लगती है तो कई बार उनकी माँ प्रागना भी इनका पूरा पूरा दिन खाना बनाने में ही बीत जाता है। उन्होंने बताया कि मेरे दिन की शुरुआत दिन में 30 रोटी और 1 किलो सब्जी बनाने से होती है। बच्चों की भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। वे हर समय खाना मांगते रहते हैं और खाना नहीं मिलने पर रोते हैं। मैं हमेशा किचन में खाना ही बनाती रहती हूँ।